Hey guys, what's up? This is me, SK, and you're watching Wrestlelent. दोस्तों, आज की मंडे नाइट रो काफी ज्यादा कमाल की थी और आज मंडे नाइट रो पर द लेजेंड किलर रैंडी ओटन फिर से लेजेंड के हंट पर निकले थे। उन्होंने आज तबाही मचा दी मंडे नाइट रो पर और मंडे नाइट रो पर मिस्टीरियो फैमिली पर पड़ा प्यार का वार भारी। दोस्तों, हम इस वीडियो में इन दोनों थिंग्स के बारे में बात करेंगे और अगर आप लोगों को मंडे नाइट रो के रिजल्ट चाहिए तो वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं मिस्टीरियो फैमिली के बारे में। दोस्तों, आज हमने मंडे नाइट रो पर द किंग्स कोर्ट देखा था जिसके गेस्ट थे मिस्टीरियो फैमिली और उसमें उन्होंने अलाया और बड़ी मर्फी की चैट्स को दिखाया था जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उस टाइम रेमिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो अलाया मिस्टीरियो को घूर रहे थे और काफी समय से रूमर्स आ रहे थे कि अलाया मिस्टीरियो मिस्टीरियो फैमिली को धोखा देने वाली है। और दोस्तों, हमने मंडे नाइट रो पर बाद में डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस बड़ी मर्फी के बीच एक सिंगल्स मैच देखा था जिस मैच में वहां अलाया मिस्टीरियो आई थी और उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो को एक थप्पड़ लगा दिया था जिसके बाद बड़ी मर्फी उस मैच को जीत गए थे। दोस्तों, यहां से हमें मिस्टीरियो फैमिली के अंदर ब्रेकअप देखने को मिला है। अब देखते हैं कि आगे स्टोरी लाइन में क्या देखने को मिलने वाला है और दोस्तों, ये स्टोरी लाइन काफी ज्यादा कमाल की है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थिंग के बारे में। आज की मंडे नाइट रो की स्टार्ट द लेजेंड्स ने की थी। रो की स्टार्ट शॉन माइकल्स, क्रिश्चियन, बिग शो, रिक फ्लेयर एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ड्रू मैकइंटायर ने की थी, जहां उन्होंने बात की थी रैंडी ओर्टन के बारे में। हमने क्लैश ऑफ चैंपियंस 2020 में ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ओर्टन का एम्बुलेंस मैच देखा था जिस मैच में रैंडी ओर्टन हार गए थे और ड्रू मैकइंटायर ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली थी और उस मैच में रिक फ्लेयर, क्रिश्चियन, बिग शो एंड शॉन माइकल्स ने ड्रू मैकइंटायर की हेल्प की थी। और दोस्तों, उसके बाद हमें बैक स्टेज रैंडी ओर्टन देखने को मिलते हैं जहां वो बोलते हैं कि मैं रैंडी ओर्टन हूं और मैं लेजेंड किलर हूं और मैं ऐसे नहीं हार मानने वाला हूं। और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई मैच चाहिए तुम उसके लिए मुझसे भीख मांगो। उसके बाद रैंडी ओर्टन बोलते हैं कि मुझे तुमसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे मैच चाहिए तो मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं रैंडी ओर्टन हूँ और मैं 13 टाइम वर्ल्ड चैंपियन हूँ। और मंडे नाइट रो के एंड में रैंडी ओर्टन ने तबाही मचा दी। उन्होंने रिक फ्लेयर, क्रिश्चियन, बिग शो एंड शॉन माइकल्स पर अटैक कर दिया। दोस्तों, रिक फ्लेयर, बिग शो, शॉन माइकल्स एंड क्रिश्चियन बैक स्टेज एक रूम में रहते हैं जहां रैंडी ओर्टन एक चेयर के साथ आते हैं। वो अपना ड्रेसअप चेंज करे रहते हैं और उसके बाद वो नाइट विजन गोगल्स पहनते हैं और लाइट को बंद कर देते हैं और जब वो लाइट ऑन करते हैं तब वहां सभी की सभी चीजें बिखरी रहती है और सभी के सभी लेजेंड्स धरती पर पड़े रहते हैं। रैंडी ओर्टन ने इन सभी पर ब्रूटली अटैक कर दिया आज मंडे नाइट रो पर। सो अब देखते हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ओर्टन का फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट पेपरव्यू हेलिना सेल में। सो अब देखते हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कर ये जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी ओर्टन का मैच क्या हमें हेलिना सेल में देखने को मिलेगा या फिर नहीं।